शुक्रवार देर रात आई तूफानी बारिश ने बालोतरा में अपना कहर बरपा दिया। कई जगहों पर तूफानी बारिश से पेड़ व विद्युत पोल भी गिर गए। इसी दौरान शहर में वार्ड संख्या 41 में बारिश के कारण बीपीएल क्वार्टर की छत गिर गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर के वार्ड संख्या 41 में आवंटित किए गए सभी 45 क्वार्टरों की हालत खस्ता है। कुछ क्वार्टर में लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं तो कई क्वार्टर में छत से पानी भी टपकता नजर आ रहा है। ऐसे में उन क्वार्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार उनकी मौत का इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के समय नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी को क्वार्टर के बाहर सड़क पर तंबू डालकर रात गुजारनी पड़ रही है, लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। सभी क्वार्टर जर्जर हालत में है। यदि समय रहते प्रशासन ने सुध नहीं ली तो बड़ा हादसा हो सकता है। 11 बजे आज तो हुआ था, 3 दिन मैं सोता था और मकान माथे गिर गया, एक पग भाग गया, एक हाथ भाग गया, सोरारा एक लेडी से लागी, 3 जना भर्ती था। क्वार्टर की हालत बहुत खराब है, पानी गिर जाने से पानी पड़े रही, 12 से बाद में बैठा सा, मारी कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं करो कौन करे ला, वो तो मौत रख हुआ है, मैं पड़ा तो मैं मरा ला पड़े रहा। आप हमें देखो झूठ नहीं है, सो से गरीब लोग मरे जाओ, खावा वास्ते मरे जाओ, मारा नहीं तो सुविधा, रोटी रिया नहीं, पानी रिया नहीं, कोई खावा रिया है, हमें देख सा साहब के बैठा मर खड़ा पिड़ा सूट गया, मकान मतलब रेड़ा कर रहा है, पत्थर कर रहा है, पुला वो ऊपर सत बढ़ाया वही कर रहा है, 3 आदमी घायल है, हॉस्पिटल रात को भर्ती किया, मोर भी स्थिति है, मैं रोड माथे बैठा हूँ, और स्थिति है रोड माथे खाना बनाओ, रोड माथे कोई भी सविता पूछता, नगर पालिका में जाता है तो कोई सविता नहीं बनाता है, तुम तो क्वार्टर दे दिया, मैं क्या सविता बनाता हूँ, दूसरी जगह दो सा ये क्वार्टर आप ले लो, खाली प्लॉट दे दो, मेरी झुकड़ी कर करते बैठा हो, जान रहा खतरा ऐसा है, स्थिति बहुत गंभीर है। जैसे मकान रात को छत पे सो रहे थे तो मकान धराशायी होकर गिर गया, 4-5 लोगों को चोटी हुई है और मतलब दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसे नहीं है कि यही एक ही मकान है, इस बाढ़ में पूरा बीपीएल क्वार्टर जितने भी 40 मकान है उसके सारा यही स्थिति है, हर बार गिरता है, हर बार ऐसा होता है, देख लेंगे लोगों को बहुत परेशानी है, इनको सर पर पसर से ये है, अपील है इनको कहीं अच्छी जगह सही जगह शिफ्ट किया जाए, ये नहीं तो ये लोगों को बड़ा हादसा हो सकता है, अभी तो किसी की लगी है, कभी किसी की जान जान भी जा सकती है, इतने में किसी भी जान भी जा सकती है। रात को मेरे 7 बजे ही बोलने मेरे पास आए थे, 7 बजे मेरे को आए, फिर मैंने लेटर लिखा उनको दिया और फिर मैंने मेरे को बताया मैं यहाँ आ गई इनको देखने के लिए, क्या स्थिति है, मैं स्थिति देख लेकर आ गई।